गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। मैं हूँ संजय पटियाला और सभी देशवासियों को, पूरे भोजपुरी इंडस्ट्री को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज पूरे देश में होली का त्यौहार है, लेकिन कोविड यानी कोरोना को लेकर के हम लोग सावधानियां बरतते हुए होली नहीं मनाने का संकल्प लिया है। और आप लोगों को पता है कि दूसरे साल में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं कोरोना को लेकर के, और हमारे सभी देशवासी, हमारे पूरे समाज, पूरा भोजपुरिया समाज सभी होली न मनाने का निर्णय लिए हैं। कुछ लोग होली मना रहे हैं सावधानी बरतते हुए भी, लेकिन इस वक्त मैं मुंबई में हूँ और एयरपोर्ट पे, और यहाँ पूरा कर्फ्यू टाइप का नज़ारा है। यहाँ पर होली के कोई नामो निशान नहीं है। कुछ इलाके होंगे जो हो सकता है कि होली मना भी रहे होंगे, जहाँ मैं नहीं देख पा रहा हूँ। फिर भी मैं उन सभी लोगों से जो ये वीडियो सुन रहे हैं, सबसे कहूँगा होली तो हर साल आएगा, लेकिन आप रहेंगे नहीं तो होली मनाएंगे कैसे? इसलिए पहले आप अपने आप को सेफ करें, उसके बाद होली तो हर साल आते ही रहता है। हमारे सभी फेसबुक मित्र, व्हाट्सएप मित्र, ट्विटर, इंस्टाग्राम जितने भी हैं, सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज पूरे बॉलीवुड हो, भोजपुरी इंडस्ट्री हो, मराठी इंडस्ट्री हो, या तमिल, तेलुगु, मलयालम हो, पंजाबी हो, सभी इंडस्ट्री प्रभावित है कोरोना को लेकर के। काफ़ी बिजनेस पर असर पड़ा है। होली व्हाट्सएप पे इस बार मनाएं, हैप्पी होली लिखें, और जितना ज़्यादा हो सके लोगों से ना मिले, घर में रहें और सावधानी बरतते हुए जो खाने पीने की चीज़ें घर में बनाएं और खाएं, उसे मार्केट में जा कर के कुछ ना खाएं। आज कहीं कोई सेफ नहीं है। जिसे चेक करिए उसे कोरोना हो गया है। जिसका इम्यूनिटी पावर मजबूत है वो तो ठीक है, लेकिन जिसका थोड़ा सा भी कमज़ोर है उसे कोरोना जकड़ ले रहा है और हॉस्पिटल सीधे पहुंचा दे रहा है। कुछ सावधानियां बरतने के बाद आप फिर से होली मना सकते हैं अगले साल या उससे अगले साल। ये हमेशा कोरोना नहीं रहेगा। एक पोलियो का जब टीका लगना शुरू हुआ था, उससे पहले कितने हमारे हिंदुस्तान के बच्चे, इंसान पोलियोग्रस्त हो चुके थे, लेकिन जब गवर्नमेंट ने पोलियो को फ्री ऑफ कॉस्ट में देना शुरू किया तो आज हमारे पूरा हिंदुस्तान पोलियो मुक्त हो चुका है। उसी तरह कोरोना मुक्त भी हिंदुस्तान हो जाएगा, लेकिन उससे पहले आप अपने आप को सेफ रखें, होली मनाएं, घर में ही मनाएं, अपने फैमिली के साथ मनाएं। जितना हो, जिसके यहाँ कोरोना हो, जो जानकारी मिली हो आप लोगों को, उनसे थोड़ा दूरी बनाए रखें, लेकिन ऐसा भी नहीं हो कि उसको आप निगलेक्ट करना शुरू कर दें, उसे बात करना, टेलीफोन से संपर्क में आप उनके रहिए। हाँ, उनसे मिलिए मत। हमारे काफ़ी ऐसे हिंदुस्तान के नागरिक हैं जो इस कोरोना काल में निकल चुके हैं, निधन हो चुका है, और नमस्कार सर्व प्रकाशनाथ भारतीय काफ़ी प्रस्थान देश देश विदेश में भी ये चल रही है। हमारे बॉर्डर पे काफ़ी सैनिक है जो हम लोग रक्षा करते हैं, लेकिन होली नहीं मनाते हैं, तो क्या वो लोग जिंदा नहीं है? वो लोग भी सेफ हैं। सभी हमारे फौजी को सैल्यूट है। आज पहली बार ऐसा मुझे लग रहा है कि होली हो और हुड़दंगई नहीं हो तो मज़ा नहीं आता है, लेकिन सादगी से होली मनाना भी एक बहुत बड़ी बात है। हमारा इंडस्ट्री जितना ग्रोथ कर चुका था, अगर ये एक कोरोना नहीं आया होता तो और आगे निकल सकता था। आज देखा जाए तो फिल्में तो अधिक मात्रा में बन रही हैं, लेकिन उसका बिजनेस नहीं होने के कारण प्रभाव तो पड़ेगा ही। सिनेमा तो बन ही रहा है और बनता ही रहेगा, लेकिन जब तक से उसकी मार्केटिंग नहीं होगी, कोई खरीदार नहीं मिलेगा, तब तक से हम लोग आगे नहीं निकल सकते हैं। सिनेमा हमारे काफ़ी निर्माता, निर्देशक कंटिन्यू एक के बाद एक फिल्में बना रहे हैं और बनने भी चाहिए। सब खुशी की बात है कि इस तरह से सिनेमा बन रही है। बॉलीवुड में काफ़ी प्रभावित पड़ा है सिनेमा को लेकर के, कि जो छोटी फिल्म होती थी वो नहीं बन रही है, सिर्फ बड़ी फिल्में ही बन रही है, या वेब सीरीज पे लोग ध्यान दे रहे हैं।
भोजपुरी इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जो कोरोना के एक साल के लॉकडाउन के बाद भी सिनेमा बहुत अधिक मात्रा में बन रही है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उसका बिजनेस नहीं होने के कारण काफ़ी निर्माता हमारे निराश भी हैं और कंटिन्यू फिल्में बना रहे हैं, उन सभी को बधाई हो। आर एस तिवारी जी गुड मॉर्निंग, प्रेम सिंह जी गुड मॉर्निंग, संग्राम जी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग, हैप्पी होली। और मैं इस वक्त मुंबई एयरपोर्ट पर बैठा हूं और देखिए पूरा इलाका खाली है, यहाँ कोई नहीं है, एकदम सुनसान है, चारों तरफ बहुत कम यात्री नज़र आ रहे हैं यहाँ पर। संदीप जी गुड मॉर्निंग, रंजीत चौबे जी गुड मॉर्निंग, सभी को होली मुबारक। शकील न्याजी जी कैसे हैं आप, गुड मॉर्निंग। संदीप जी गुड मॉर्निंग, अर्जुन जी गुड मॉर्निंग, शशि दुबे जी गुड मॉर्निंग, राज सेन जी नमस्कार गुड मॉर्निंग, कैसे हैं, हैप्पी होली सभी को। शशि दुबे जी हैप्पी होली, रवि यादव जी हैप्पी होली, राज सेन जी हैप्पी होली, दीपक कुमार जी हैप्पी होली। और ये पीछे का आपको नज़ारा मैं दिखा रहा हूँ, यात्री जो जा रहे हैं आ रहे हैं, फ्लाइट एक खड़ी है, रनवे एकदम सुनसान है, आज ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है, बहुत कम यात्री सफ़र करते हुए नज़र आ रहे हैं और सावधानियां बरतते हुए यात्रीगण भी पूरा इसमें लगे हुए हैं, जिसको जहां जाना है वो तो जाएगा ही। हैप्पी होली सभी को। और ये मुंबई का डोमेस्टिक एयरपोर्ट है और काफ़ी टाइम से बंद था ये एयरपोर्ट, अभी कुछ दिन पहले ये एयरपोर्ट खुला है। निरंजन प्रताप कुशवाहा जी गुड मॉर्निंग, हैप्पी होली। प्रबल शुक्ला जी कैसे हैं आप, हैप्पी होली। और काफ़ी ताजुब की बात है कि इस साल काफ़ी स्टारों का जो एल्बम है काफ़ी धूम मचा रहा है। मनोज तिवारी जी की एक होली, एक अलग होली होती थी जो आजकल बीजेपी के बहुत बड़े पद पर विद्वान हैं और कोलकाता में इस वक्त प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। महानायक कुणाल सिंह जी फिल्मों की शूटिंग में व्यस्त हैं इलाहाबाद प्रयागराज में। रवि किशन जी इस वक्त बीजेपी के साथ पूरा संभाले हुए हैं गोरखपुर जिला। और एक अच्छी बात, कल का मुझे जानकारी मिला कि लखनऊ से गोरखपुर की फ़्लाइट फिर से शुरू, डोमेस्टिक फ़्लाइट यानी घरेलू फ़्लाइट शुरू हो गई है और काफ़ी अच्छी शुरुआत है। उसमें रवि किशन जी का बहुत बड़ा सहयोग था और साथ में हमारे उत्तर प्रदेश के भावी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, इस सेवा को शुरू करने में बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे भोजपुरिया पावर स्टार पवन सिंह जी इस वक्त उत्तर प्रदेश में शूटिंग कर रहे हैं और मुझे लगता है सेट पर ही होली मनाएंगे। भोजपुरी ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव जी इस बार होली घर पर नहीं मनाएंगे, इस बार प्रयागराज में ही होली मना रहे हैं आशिकी के सेट पर, जिसमें भोजपुरी क्वीन अमरपाली दुबे नज़र आ रही हैं, आप लोग देख रहे हैं, जिसके डायरेक्टर पराग पाटिल जी हैं। और हमारे सिल्वर जुबली कहे जाने वाले भोजपुरिया स्टार दिनेश लाल यादव उप निरहुआ जी इस वक्त मुंबई में है और मुंबई में आप लोग मालूम है कि नाइट कर्फ्यू लग चुका है, तो आज से उनकी फिल्म जानलेवू का कुछ शूटिंग बाकी था, उसको शूटिंग होने वाला था, अब शायद आज नाइट में ना हो, आगे की जानकारी मुझे नहीं मिल पाई है, तो वो मुंबई में मना रहे हैं। समर जी उत्तर प्रदेश में मना रहे हैं और हमारे दोस्त अरविंद अकेला कल्लू जी भी अभी कुछ दिन पहले अपने नए होली गाने के फिल्मांकन किया, शूटिंग किए यामिनी जी के साथ में, अभी नई फिल्म की तैयारी में लगे हुए हैं। डायरेक्टर लालू पंडित जी कोलकाता में फैमिली के साथ मना रहे हैं इस बार होली। सूरज अनुसु जी गुड मॉर्निंग, साई न्यूज़ सर्विस कैसे हैं भैया, बहुत बढ़िया, हैप्पी होली साई जी। सूरज जी सुपर। और हमारे युवा प्रदीप पांडे चिंटू इस वक्त उत्तर प्रदेश में शूटिंग कर रहे हैं नई फिल्म की अयोध्या में।
और यश मिश्रा इस वक्त उत्तर प्रदेश में अपने नील डायरेक्टर नील सिंह की फिल्म शूटिंग कर रहे हैं भदोही जिला। हमारे प्रमोद प्रेमी जी भी उत्तर प्रदेश में शूटिंग कर रहे हैं। तो दीपक दिलदार जी गोरखपुर में शूटिंग कर रहे हैं। तो कोई भी ये सब बैठा नहीं है, सेलिब्रिटी हमारे जितने सब के सब बिजी हैं, और नए अभिनेता को अब और सिंगर को आने से इंडस्ट्री और ग्रोथ की है, उन लोगों के आने से इंडस्ट्री और ज़्यादा विकसित होती है। सेलिब्रिटी तो है ही मार्केट में हमारे जो पहले से हैं, लेकिन कई ऐसे अभिनेता हैं जो इस लॉकडाउन के बाद अपनी फिल्मों की शुरुआत की, उन सभी को बहुत बहुत बधाई हो। काफ़ी डायरेक्टर प्रोड्यूसर अभिनेता अभिनेत्री नए काफ़ी लोगों का आगमन हुआ है इस कोरोना काल में, जो काफ़ी मेहनत से अपने कार्य में लगे हुए हैं। सभी को तहे दिल से होली हो की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सिंगर अली शेर खान जी कैसे हैं आप, हैप्पी होली। पवन कुमार जी हैप्पी होली। सूरज साहू जी हैप्पी होली। पवन कुमार सिंह जी कैसे हैं आप, हैप्पी होली। काफ़ी दोस्त इस बार होली में अपने अपने गांव पहुंच चुके हैं और फैमिली के साथ, मुझे पता है पुआ पूड़ी और आलू दम की सब्जी आप लोग बना के खा रहे होंगे घर में ही। और अब होली की काफ़ी यादें हैं जो बचपन में हम लोग होली खेलते थे गांव में, कीचड़ वाली होली, मोबिल वाली होली। कल होलिका दहन था, काफ़ी वक्त हो गया मुझे होलिका दहन गांव में सेलिब्रेट किए हुए, लेकिन आज शाम को मैं अपने घर इलाहाबाद प्रयागराज में रहूँगा और जो पकवान बना होगा खाने के लिए पहुँच रहा हूँ। मुंबई में काम बहुत धीमा हो गया है और सारी फिल्मों की शूटिंग इस वक्त उत्तर प्रदेश में ही चल रही है। डिंपल जी हैप्पी होली कैसे हैं आप। डिंपल जी इस वक्त पवन जी की फिल्म की शूटिंग कर रही हैं उत्तर प्रदेश में। चुनमुन पंडित जी हैप्पी होली। और भोजपुरी में अगर और आपको मज़ा लेना है तो डेक लगाइए घर में, म्यूजिक सिस्टम अगर है आपके पास तो मोबाइल से गाने बजाइए। इस बार अच्छे अच्छे गाने हमारे सारे सेलिब्रिटियों के आए हैं, जिसमें से राकेश मिश्रा जी की काफ़ी हिट हिट गाने आए हैं। इस वक्त वो आराम में अपने मम्मी पापा की सेवा में लगे हुए हैं और काफ़ी हिट उनके गाने मार्केट में आए, उनके गाने आप सुन सकते हैं होली के। खेसारी लाल यादव जी के हिट गाने मार्केट में काफ़ी धूम मचा रहे हैं। पवन जी के गाने हैं, प्रमोद जी के गाने हैं, समर जी के गाना, समर जी का जो म्यूजिक होता है देहाती टोन बहुत अच्छा लगता है मुझे। उपेंद्र गिरी जी कैसे हैं आप, गुड मॉर्निंग। और समर बाबू का थ्रेसर वाला गाना और ट्रक वाला गाना होली में लास्ट ईयर काफ़ी बजा था और चैता आया था, मुझे याद है, मैं काफ़ी गाने उनके सुना था उस वक्त लॉकडाउन में। और इस बार भी बहुत बज रहे हैं। समर जी बहुत बहुत बधाई हो आपको नए गाने के लिए। राकेश मिश्रा जी के भी कई गाने हिट हुए हैं जो करोड़ों में भी उसके आ रहे हैं और काफ़ी दर्शक पसंद कर रहे हैं। खेसारी लाल यादव जी का गाना दो रुपया हो दो रुपया आप लोग तो सुने ही होंगे, अगर बैठे हैं आप लोग तो एक बार लगा के सुनिए, बहुत मज़ा आएगा सुनने में। फिल्म निर्माता प्रेम राय जी नमस्ते हैप्पी होली। प्रेम राय जी इस वक्त पुणे से मुझे देख रहे हैं और इस होली के पावन अवसर पर हमारे सभी मित्रों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। होली मनाइए लेकिन सावधानी से मनाइए, घर पे ही मनाइए। नरसु दादा गुड मॉर्निंग कैसे हैं आप। और मोहम्मद आजाद आलम जी कैसे हैं आप, गुड मॉर्निंग। हमारे भाई खेसारी लाल यादव जी की फिल्म सैया अरब की लेना आज रिलीज हो रही है थिएटर में, तो आप लोग जरूर देखिए। बिहार के कई सिनेमा हॉल में ये सिनेमा लग रही है, सावधानी पूर्वक ही देखें, लेकिन एक बार जाके जरूर देखें, पिक्चर बहुत अच्छी बनी है और शूटिंग भी काफ़ी अच्छे तरीके से की गई जो विदेश में की हुई है। फिल्म का जो पार्ट है एक से एक उसमें नए नए दृश्य नज़र आएंगे आप लोगों को, एक अलग हट के सिनेमा है जिसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। दीपक यादव जी गुड मॉर्निंग। खेसारी जी के साथ कई फिल्में बन के तैयार है जो रिलीज की जाएगी जल्द ही।
और उनके आजकल तबीयत थोड़ा ख़राब भी है, मुझे देखा कल वो लाइव आए थे, तो जल्दी से स्वस्थ हो जाएं और अपना ख्याल रखें, क्योंकि इस कोरोना काल में अगर तबीयत ख़राब हो जाएगा तो फिर बहुत ज़्यादा रेस्ट लेंगे, रेस्ट लेंगे तो इंडस्ट्री को काफ़ी नुकसान होती है, क्योंकि काफ़ी फिल्में सारे बड़े बड़े फिल्में साइन करके बैठे हुए हैं, भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव जी, पवन जी, दिनेश जी, तो डेट के आगे पीछे होने से काफ़ी इंडस्ट्री को नुकसान होती है। तो हमारे भाई जल्दी अब ठीक हो जाओ, दवा लो और थोड़ा सा रेस्ट करिए। ऐसे तो हमारे भाई कभी रेस्ट करते नहीं हैं, यूनिट में सबसे पहले ही उठ के सबको रेडी कर देते हैं कि जल्दी भाई शूटिंग शुरू करते हैं। और कल जब मैं उनका लाइव देख रहा था तो उनकी तबीयत थोड़ा अस्वस्थ मुझे लगी, तो स्वस्थ हो जाए भाई, काम तो हमेशा चलते ही रहेगा, लेकिन थोड़ा सा बॉडी पे भी थोड़ा ध्यान दीजिए, रेस्ट जितना होगा उतना ज़्यादा अच्छा काम होगा। काफ़ी मुंबई में बहुत गर्मी है और 38-40 डिग्री के आसपास चल रही है, तो यहाँ भी दोपहर में ना निकले, निकलने से माथा टनटना जाता है, एकदम लग रहा है जैसे कि अभी ही एकदम जेठ का महीना चल रहा है, एकदम हवा गर्म गर्म हवा और सूरज भगवान एकदम सर पर चढ़े हुए हैं। रवि द्विवेदी जी कैसे हैं आप? मैं इस वक्त मुंबई एयरपोर्ट पर बैठा हूं और घर जाने की आज इच्छा हुई तो मैं सोचा चलो सुबह सुबह जब मैं उठा तो देखा कि एकदम सुनसान मुंबई लग रहा है। तो विवेक जी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? देखिए हमारे खेसारी भाई के मैनेजर विवेक सिंह जी भी उठ गए हैं, हैप्पी होली विवेक जी। विवेक जी थोड़ा भाई साहब को दवा दीजिए और स्वस्थ करिए जल्दी से, अभी बहुत कुछ करना है अभी इस कोरोना काल में। सभी को हमारी तरफ से होली बहुत बहुत मुबारक हो। विवेक जी जब से मैनेजर संभाले हुए हैं तब से बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, बहुत बहुत बधाई विवेक जी आपको। और इस साल हमारे खेसारी लाल यादव जी का जन्मदिन बहुत धूमधाम से विवेक जी ने मनाया प्रयागराज में और काफ़ी मज़ा आया। अभिषेक श्रीवास्तव जी हैप्पी होली, कैसे हैं आप? शुक्ला जी मैं लखनऊ आने का प्रयास करूंगा 2-4 दिन में, फिलहाल अभी मैं प्रयागराज जा रहा हूं, घर पे होली के पकवान बने हुए हैं उसको खाने के लिए, काफ़ी टाइम हो गया घर का होली का पकवान खाए हुए मुझे। लास्ट ईयर भी वैसे मैं था लेकिन पकवान बना था मैं खा नहीं पाया था मुझे याद है, और लास्ट ईयर मैं इलाहाबाद में ही शूट कर रहा था अपने भाई खेसारी लाल यादव जी की फिल्म मंटुआ नानी का, जिसका नाम अभी हो गया शादी हो तो ऐसा, और उस वक्त खेसारी जी अपने घर पे ही होली मनाए थे शाम को, तो बहुत ही यादगार चीज़ें थी वो मुझे याद है। अशोक गुप्ता जी गुड मॉर्निंग। लास्ट ईयर भी मैं होली के दिन ही और सेम टाइम पर ही मैं उस लगता है मुझे कि 10 मार्च को होली था लास्ट ईयर, और 10 मार्च को इसी सेम टाइम पे मैं दोपहर में अपने प्रयागराज पहुंचा था और इन लोगों के साथ में होली मनाया था। खेसारी भाई थे, डायरेक्टर लालो पंडित जी थे, हीरोइन कृति वर्मा जी थी, सुदीक्षा झा जी थी, पूरे यूनिट वहां मौजूद था और काफ़ी इन्जॉय किए हम लोग लास्ट ईयर की होली। इस साल भी हमारे विवेक सिंह जी बोल रहे हैं आज ये बनारस भैया यहीं मनाते हैं, पक्का भाई बनारस भी आएंगे, लेकिन आज मैं प्रयागराज पहुंच रहा हूं और प्रयागराज में घर का आज मुझे खाने का मन है, आलू दम खाएंगे, पूरी खाएंगे। और ताजू की बात है कि इस साल भी भोजपुरी ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव जी बनारस बोल रहे हैं प्रयागराज में ही होली के मौके पर अपनी फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं, जिसका नाम है आशिकी, डायरेक्टर पराग पाटिल जी हैं, हीरोइन आम्रपाली दुबे जी हैं, दूसरी श्रुति राव जी हैं और पप्पू यादव जी हैं। तो विवेक जी आइए, मैं तो पहुंच रहा हूं, तो अगर हो सके तो मुलाकात होगी पक्का, और होली के अगर बनारस में है तो कुछ घर से बना के ले आइए, फिर खाया जाए साथ में बैठ के। गौतम जी कैसे हैं? गुड मॉर्निंग, हेलो भैया, हैप्पी होली। अजीत कुमार समर जी आज सभी को होली बहुत बहुत मुबारक हो। और विवेक भाई अगर आप बनारस में हैं तो आइए कुछ धमाल किया जाए, कुछ आप बनाए कुछ हम बनाएं,
बना के खाते हैं। होली तो नहीं मनाने का प्लान है क्योंकि कोविड को लेकर के काफ़ी ऐसे चीज़ें सावधानियां बरतनी चाहिए। विवेक जी 4 से 5 बजे ओके डन। पुआ लेके आवत हैं, लाओ लाओ पुआ। आलू आलू दम ले लिया, थोड़ा सा मटर डाला मैं, धनिया डलवा दिया मम्मी से, तो आतनी हरियरका मिर्चाई, ललका मिर्चाई मत डालिए, ललका मिर्चाई बड़ा प्रॉब्लम होला। अरुण दुबे जी हैप्पी होली। टिंकू बाबू सिंगर हैप्पी होली भाई, कैसे हैं। संजीत कुमार पंडित जी हैप्पी होली। और अभी टाइम कितना हो गया, 10 बज गए हैं और काफ़ी अच्छा लगा। विवेक जी मजाक नहीं कर रहे हैं, ललका मिर्चाई मत डलिए ठीक है, बहुत दिक्कत होला। हरियर के डलिए, हरियरका मिर्चाई से प्रॉब्लम ना होखेला पेट में, ललका मिर्चाई से जो ललका होला ना बहुत गड़बड़ करेला, पेट गड़गड़ गड़ कर लगा। अब पुआ में तनी वो क्या बोलते हैं गुड़ वाला पुआ बनवाइए, चीनी वाला तो बहुत खाएँ, गुड़ वाला में अलग अलग टेस्ट नज़र आता है। और उसे अगर घी में, ओरिजिनल घी में अगर छान दिया जाए तो उसे और खाने में मज़ा आता है। वर्मा जी हैप्पी होली। संजीत कुमार पंडित जी आपका नाम रख दिया, कैसे हैं आप, हैप्पी होली। राजन तिवारी जी हैप्पी होली। दिव्यक भैया लिख रहे हैं डन है, 4-5 बजे सेट पे मिलेंगे पक्का भाई, आइए। पिंटू दुबे जी कैमरामैन, पिंटू जी मैं इस वक्त मुंबई में हूँ और देखिए एयरपोर्ट पर बैठा हूँ अभी, फ्लाइट थोड़ा सा अभी आने में टाइम है, एक फ्लाइट लगी है लेकिन इसमें बैठने की इजाज़त नहीं है। देखिए ये फ्लाइट इंडिगो की है जो इस वक्त यहाँ तैयार खड़ी है, और मेरी फ्लाइट अभी नहीं आ पाई है। बिरजूपाल जी कैसे हैं आप, हैप्पी होली। एयरपोर्ट पूरा खाली खाली नज़र आ रहा है इस वक्त, देखिए सारी कुर्सियाँ एकदम पूरा खाली है, यहाँ पर बहुत कम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। और इधर अल्ट्रा बार है, देखिए काफ़ी लोग भांग और दारू सुबह सुबह चढ़ा चुके होंगे, जो अपने होली मशगूर होंगे अपने घर पे ही बैठ के। कमरुल खान जी गुड मॉर्निंग हैप्पी होली। कुमार अनुपम जी हैप्पी होली। बिरजू पाल जी हैप्पी होली। भोजपुरी दुनिया के सुपरस्टार संजय भूषण हैप्पी होली मुबारक, थैंक यू भाई भोले कुमार जी। और माइकल अरविंद कुशवाहा जी हैप्पी होली। संजीत कुमार पंडित जी हैप्पी होली। आज मैं भी देखिए नया ड्रेस पहन के आया हूँ, येलो कलर का है, हल्दिया रंग है पूरा। चलो भाई होली तो नहीं मनाया, कम से कम नया ड्रेस पहन के यात्रा कर लेते हैं, उसी में खुशी मिल जाएगी मुझे। लास्ट ईयर में मुझे याद है बहुत हंसी भर रहा है, हमारा दोस्त भाई पंकज कुमार फोटोग्राफर पंकज सिंह, मैं इलाहाबाद एयरपोर्ट से जैसे ही मैं अपने गेस्ट हाउस जहाँ खेसारी जी रुके वहाँ पहुँचता हूँ, बस गाड़ी से उतरता हूँ, बस दो लोग मिल करके मेरा पूरा वाइट कलर का ये नेता वाला ड्रेस था, दोनों मिल के फाड़ डालते, मेरे पास सिर्फ चड्डी बची थी लास्ट ईयर। और साथ में महेश आचार्य जी थे, खेसारी भाई थे, पप्पू यादव जी थे, मतलब बहुत इन्जॉय किए थे लास्ट ईयर के, मतलब कि वो दिन जब मैं याद करता हूँ तो आंखों से आंसू आ जाते हैं खुशी के मारे। उदय जी कैसे हैं आप, गुड मॉर्निंग। नौशाद अली आज जी हैप्पी होली। तो लास्ट ईयर जो होली थी मेरे पास कपड़े नहीं बचे थे, तो मुझे याद है किसी ने तो मुझे कपड़ा दिया था, साहिल शाह जी हैप्पी होली, वो पहन के फिर मैं अपने घर लौटा था और वहाँ लगे हुए थे डीजे और खूब इंजॉय किया, चूँकि उस वक्त कोविड का हल्का फुल्का सुनाई दे रहा था कि बहुत बड़ा कोरोना आ रहा है, बंद हो जाएगा पूरा हिंदुस्तान, लॉकडाउन हो जाएगा। और 10 तारीख का होली था मुझे याद है, और 10 तारीख में पहुँचा था, हमारी शूटिंग का पैकअप 14 या 15 को हो गया था, 14 को हो गया था, 15 को हम लोग खेसारी जी के बर्थडे मनाने का प्लान था लेकिन कैंसिल कर दिया था हम लोग कोविड को लेकर के, क्योंकि पूरे देश में चूंकि कोरोना को लेकर के सब जगह अफवाहें बहुत ज़्यादा फैल रही थी और उस अफवाहें सच हो गई थी, 22 मार्च को लॉकडाउन लग गया था हमारे देश के, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ताली बजाओ अभियान सारा स्टार्ट किया था, मोमबत्ती जलाओ, तो
उसे धीरे धीरे करके देश में लॉकडाउन लग चुका था और आज उससे बीते हुए एक साल से ज़्यादा होने जा रहा है। एक साल कंप्लीट हो गया कुछ दिन, आज 29 तारीख हो गया ना, तो खुद जोड़ लीजिए आप लोग। तो लास्ट ईयर की होली, चूँकि हम लोग को पता नहीं था। सुरेश गुरु ओझा जी नमस्कार, हैप्पी होली, आपको भी होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सुरेश गुरु ओझा जी काफ़ी टाइम से हमारे घर की पूजा पाठ हमेशा, या सिनेमा इंडस्ट्री में फिल्मों के पूजा पाठ होते हैं तो हमेशा मौजूद रहते हैं। उत्तर प्रदेश के ही रहने वाले सुरेश गुरु ओझा जी को तहे दिल से नमस्कार, बाबा आशीर्वाद दीजिए वहीं से, हैप्पी होली। और पूजा पाठ मन लगा के दिल लगा करिए कि कोरोना जल्दी से भगाइए, ये कोरोना ने सबको तबाह कर दिया है। पेट्रोल तो देख ही रहे हैं, डीजल कितने आसमान छू रहे हैं। आज मुंबई में कल नाइट से ही कर्फ्यू लग चुका है, 8 बजे से सारी दुकानें बंद हो गई थी। और कल शाम को मैं देखा नज़ारा कि रोड एकदम सुनसान हो गया। तो आज सुबह सुबह जब मैं आ रहा था तो मैंने देखा कि रोड पे कोई है ही नहीं, ना ऑटो चल रहे हैं, ना रिक्स, ना कोई गाड़ी प्राइवेट चल रही है। सारे इक्के दुके कुछ गाड़ियाँ हैं प्राइवेट, जिसको अर्जेंट काम है उसके लिए निकल रहा है, नहीं तो आज मुझे लगता है कि होली की छुट्टी की वजह से सब लोग घर में ही रहेंगे तो गाड़ियाँ रोड पे नहीं निकलेंगी। उदय सिंघानिया जी कैसे हैं आप, हैप्पी होली। आज देखते हैं क्या होता है यात्रा में। इंडिगो की फ्लाइट है और मैसेज आया है कि कोविड का सर्टिफिकेट लेकर के ही आपको एयरपोर्ट में एंट्री देना है। जब मैं कल कॉल सेंटर में बात हुआ तो वो लोग ये नहीं बोलते हैं कि कोविड सर्टिफिकेट आपको लेके जाना ज़रूरी है। ये मैसेज उन लोगों की तरफ से ही मुझे आया। काफ़ी लोग परेशान होंगे इस जानकारी को लेकर के कि सर्टिफिकेट कहाँ से ले, कैसे ले, क्या करें। तो मुंबई एयरपोर्ट पर फ़िलहाल कोई भी सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, कुछ लोग कुछ जगह से फ्लाइटें आ रही है जिसे मुंबई एयरपोर्ट की तरफ से चेकिंग किया जा रहा है, जहाँ से जिसके ऊपर शक है उसको कोविड चेक करने के बाद ही लोग छोड़ रहे हैं। जैसे उत्तर प्रदेश सरकार है, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने जो अभी 15-20 दिन पहले से शुरू किया था, लेकिन वहाँ भी कामयाबी नहीं मिली, सारे लोगों का कोविड चेक नहीं हो पा रहा है, लेकिन कुछ कुछ जगहों पर हो रही है। अब मैं उत्तर प्रदेश जाने के बाद ही पता कर पाऊँगा कि वहाँ चेकिंग हो रही है कि नहीं हो रही है। मुंबई में फ़िलहाल तो कोई चेकिंग नहीं हुआ है कोविड को लेकर के, मैं अंदर आके बैठा हूँ सिक्योरिटी करके। गौरव झा जी गुड मॉर्निंग, गुरु जी इस वक्त मैं मुंबई एयरपोर्ट में हूँ, प्रयाग जाने के तैयारी में हूँ और प्रतीक्षा कर रहा हूँ फ्लाइट का आने का। होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं गुरु जी आपको। गौरव झा जी हमारे इस वक्त उत्तर प्रदेश में शूटिंग कर रहे हैं संजना राज जी के साथ में, और गौरव भाई आपको तहे दिल से बहुत बहुत मुबारक होली की। होली ऐसा त्यौहार है जो दुश्मन को भी गले लगा लेते हैं इस दिन, लेकिन आज गले लगाने की ज़रूरत नहीं आपको, नहीं तो दुनिया सब गले लगाने के काबिल नहीं रहेंगे। कोविड को लेकर के घर में ही अपने परिवार में अपने ही होली मनाए, दोस्तों से भी न मिले। देखिए एयरपोर्ट पे अनाउंस हो रहा है कि भैया मास्क लगा के ही बैठे, अब आप लोग बात करने चक्कर में अपना मास्क उतार दिया हूँ, ये देखिए मास्क यहाँ रखा हूँ। तो अभी कोई संजय यादव जी हैप्पी होली, गौरव भैया कैसे हैं आप और क्या चल रहा है जरा शूटिंग के बारे में बताएं सभी को। गौरव जी इस वक्त मुझे लगता है कि विंध्याचल के आसपास किसी जगह पर शूटिंग कर रहे हैं, और कुछ दिन पहले फिल्म का मुहूर्त हुआ है, इससे पहले वो अपने गांव बिहार में फिल्म भागवत गीता की शूटिंग कर रहे थे और भागवत गीता की शूटिंग कंप्लीट हो चुकी है, उसके बाद ये पहुंच चुके हैं उत्तर प्रदेश में शूटिंग कर रहे हैं। रिंकू भारती जी हैप्पी होली आपको। रिंकू भारती जी बिहार की रहने वाली हैं और काफ़ी एक्टिव हैं, काफ़ी करेक्टर इनका मज़ेदार रहता है। लास्ट ईयर होली में रिंकू जी भी थी साथ में, मुझे याद आया अभी, और काफ़ी इन्होंने एंजॉय किया था। शाम का भी वक्त था जो हम लोग होली मनाए थे और काफ़ी एंजॉय किए थे साथ में, खेसारी भाई थे, जमा दिए थे पूरा लास्ट ईयर की होली।
एम अंसारी जी, हैप्पी होली। अब सभी दोस्तों से विदा लेना चाहूँगा, काफ़ी वक्त आप लोगों का लिया, और होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। घर में पुआ पूड़ी खाइए और घर में ही बैठ के टीवी देखिए क्या हो रहा है देश दुनिया में। तब तक के लिए हैप्पी होली, बाय बाय।